वेल्कम फ्रेंड्स इन हेल्थ रेम्बो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी लैट्रीन या जिसको पॉटी या मल बोलते हैं उसका आकार और रंग देखकर ये कैसे पता करेंगे कि आपको पेट संबंधित परेशानी है कि नहीं है। अगर हम पहले इसके रंग की बात करें, तो रंग में यदि इसका रंग पीला, चिकना या दुर्गंधयुक्त है, तो ये बताता है कि आपके मल में बहुत ज्यादा फैट है, मतलब आप फैटी डाइट ले रहे हैं या फिर आप जो है ना ऐसी डाइट ले रहे हैं जो बैलेंस नहीं है, मतलब कुपोषण संबंधित है, या फिर आपको हो सकता है सीलिक बीमारी है, या आपके जो जो डाइट है उसमें प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी है, इस वजह से जो आपका रंग जो हो सकता है आपका मल का रंग वो पीला, चिकना या दुर्गंधयुक्त हो सकता है। अगर हम बात करें यदि आपका मल का जो रंग है वो पिंक है, गुलाबी है या फिर लाल है, तो ऐसा क्यों होता है? या ऐसा इसलिए होता है कि जो आपकी जो बड़ी आंत होती है उसमें क्या होता है, कोई ट्यूमर हो गया हो, या फिर जो होता है कि उसमें बवासीर या जिसको मसा बोलते हैं वो बीमारी हो, यदि इस पे आपको लाइनें या धारियां दिखाई देती हैं तो ये बताता है कि जो है आपको फिस्चुला या फिशर की बीमारी है। यदि आपको अपने मल पे धारी दिखाई देती हैं तो ये बताता है कि आपको फिस्चुला या फिशर की बीमारी है। या फिर हो सकता है कि आपने जो खाना खाया है उसमें लाल रंग था, मतलब या तो आपने चुकंदर खाया है या फिर ऐसी डाइट खाई जिसमें लाल रंग की अधिक मात्रा थी, या फिर हो सकता है आपने टमाटर का रस या फिर आपने कोई लाल ड्रिंक लिया है, इस वजह से भी आपके मल का रंग गुलाबी या लाल हो सकता है। बट यदि ये लगातार बना रहता है तो ये ऊपर दी बीमारी का संकेत हो सकता है। अगर बात करें आपके मल का रंग काला है, सो काला इसलिए होता है कि आपके जो पेट का ऊपरी हिस्सा होता है, मतलब स्टमक है या फिर जो जो लीवर वगैरह है, उसमें यदि कोई ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, इस वजह से आपके मल का रंग काला हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपने आयरन सप्लीमेंट्स, आयरन की गोलियां ली हैं, इस वजह से भी मल का रंग काला हो सकता है। यदि आपके मल का रंग सफेद है या मिट्टी के रंग का है तो ये बताता है कि आपके जो मल में बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं उनकी कमी होती है, जो लीवर से बाइल जो सिक्रीट्स होता है उसकी कमी है, या फिर जो पित्त की नली में कोई रुकावट हो सकती है, इस वजह से आपका जो मल है उसको हल्के रंग का या सफेद या मिट्टी के रंग का हो सकता है। या ऐसे भी हो सकता है कि आपने कुछ मेडिसिन्स ली हैं जैसे कि बिस्मत सब सिलिकेट या फिर जो आपने एंटी डायरियल ड्रग्स ली हैं, इस वजह से भी क्या हो सकता है कि आपके मल का रंग सफेद या मिट्टी के रंग का हो सकता है। यदि आपके मल का रंग हरा होता है तो हरा ये बताता है कि जो आपका भोजन है बड़ी आंत से बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है, और जैसे कि दस्त वगैरह की कंडीशन में नतीजतन ये होता है कि पित्त जो होता है पूरी तरीके से टूटने का उसको समय नहीं मिलता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है आपने हरी पत्तेदार सब्जियां या हरा खाना खाया होगा, इस वजह से भी आपका मल का रंग हरा हो सकता है। यदि आपके रंग का जो मल जो है वो भूरा रंग है, मतलब भूरे रंग का मल होता है, तो ये जो सामान्य मल होता है, मतलब ये नॉर्मल मल या आइडियल मल का जो रंग जो होता है वो भूरा होता है। इसके बारे में अगर हम इसके कलर की बात के साथ में हम अगर इसकी आकृति बात करें, तो यदि इसकी आकृति हार्ड, मतलब जो कठोर गांठ है और गांठे जो उसके साथ साथ में अलग है जैसे कि अखरोट होती हैं, और ऐसे मल को यदि पास करने में काफी तकलीफ महसूस हो रही है तो ये जो होता है कब्ज का संकेत देता है, और ये कब्ज भी काफी अधिक कब्ज होती है। यदि आपके जो मल का रंग जो होता है वो जो है केले की तरह या लाठी की तरह होता है और इसकी सतह पर दरारें होती हैं तो ये भी कब्ज का संकेत देता है। यदि आपका जो मल है लाठी की तरह या केले की तरह है और मतलब इसमें कोई दरारें नहीं है तो ये जो होता है साधारण नॉर्मल मल होता है। और यदि आपका जो मल है वो सांप की तरह चिकना और नरम होता है और इसको पास करने में यदि कोई तकलीफ नहीं होती है तो ये जो होता है आदर्श मल होता है, मतलब ये जो मल होता है आइडियल मल होता है और ये जो सबसे अच्छा मल माना जाता है। और इसे अगर यदि किसी व्यक्ति को ये मल होता है तो उससे क्या होगा, ऐसे व्यक्तियों को पेट संबंधित बीमारियां होने के चांसेस कम होते हैं। यदि हम बात करें कि आपका जो मल है उसके स्पष्ट कटे हुए किनारों के साथ नरम और फूला हुआ होता है, साथ में
पास करने में बहुत आसान होता है, इजिली पास होता चला जाता है, तो ये जो होता है एक दस्त का संकेत होता है। और यदि आपका मल जो है पानी की तरह होता है, तब भी ये जो होता है एक दस्त का संकेत होता है कि आपको दस्त है, तो आपको मेडिसिन लेनी होगी। यदि हम बात करें कि जो आदर्श मल होता है उसके क्या लक्षण होते हैं, तो इसका जैसे मैंने बताया वीडियो में, गहरे भूरे रंग का होता है, इसके अंदर महक होती है और इसको पास करने में कोई तकलीफ नहीं होती, दर्द मुक्त होता है और जो बनावट में नरम होता है। साथ साथ में यदि ये नॉर्मल होता है तो क्या होता है कि व्यक्ति दिन में एक या दो बार इसको पास करने के लिए, इसको बाहर निकालने के लिए जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का आइडियल स्टूल नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में फाइबर डाइट लेनी होगी, कम से कम 38 ग्राम प्रतिदिन। फाइबर डाइट जो होती है फ्रूट्स में होती है, और साथ साथ में जो अगर हम बात करें तो जैसे कि दालें होती हैं, दालों में मसूर की दाल, मटर की दाल उसमें होती है, उसके अलावा मक्का, बाजरा, जौ और चने में भी इसकी मात्रा होती है। सो इसके लिए आप मल्टीग्रेन आटा ले सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि आपकी 38 ग्राम फाइबर की रिक्वायरमेंट डेली पूरी हो जाएगी। साथ साथ में आप दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पिए, और हो सके तो आप प्रोबायोटिक भी ले सकते हैं, मतलब दही वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, और डेली आपको कसरत करनी है। इससे क्या होगा कि जो आपकी जो कोलोन है, बड़ी आंत का मूवमेंट सही रहेगा, आंतें आपस में चिपकेंगी नहीं। सो इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम्बो।